मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत से युवा मुखिया बने इम्तियाज अहमद के घर बधाई देने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने इम्तियाज अहमद को बधाई दी, साथ ही ये भी कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास से पंचायत की जनता ने आपको मुखिया बनाया है, वो जनता की उम्मीदों पे आप खड़े उतरिए और पंचायत का विकास करिए। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत में, जहां कल पियाउर पंचायत की मतगणना हुई, जिसमें एक ऐसा नाम सामने आया जो सबको चौंका दिया। अबरे आलम जो काफ़ी कद्दावर ने मुखिया प्रत्याशी थे, मनील सिंह जो वर्तमान मुखिया थे, उन सबको हराते हुए एक युवा ने इस सीट पर अपना कब्जा दाखिल किया। हम बात कर रहे हैं इम्तियाज अहमद की, और आप देख सकते हैं ये युवा है और इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर पियाउर की सीट पर मुखिया का जो पद था उन्होंने जीत लिया। और इनके पिताजी हैं, सब लोग यहाँ पे उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले हम इम्तियाज अहमद से बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जीत हासिल की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय है वो पियाउर पंचायत की जनता की है। तो क्या कहेंगे जनता को, जिस जनता ने आपको जिताया, आज मुखिया बनाया, इतनी कम उम्र में युवा हैं और तुरंत आपको जनता ने मुखिया बनाया। जीत तो जनता की हुई है। तो क्या कहें, जनता को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्या लगता है, जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको चुना है, उन विश्वास पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, उसी विश्वास पे मुझे चलना है। जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसा को कायम रखना है। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी पियाउर पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि पियाउर और बसंत नगर के बीच में जो सड़क है मुख्यालय हसनपुरा जाने का, उस रास्ते वहाँ रास्ता नहीं है। किसी तरह से हम लोग आपातकाल स्थिति में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रास्ते घूम करके जाना पड़ता है। उसमें सबसे पहले कोशिश करना है कि सड़क बने, और दूसरी बात है कि पूरे पंचायत में सरकारी विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपके घर के बगल में नल जल के लिए लगा हुआ है सब कुछ, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि आपके पंचायत में नल जल का काम ही नहीं है? कहीं काम नहीं, कहीं सफलता नहीं मिली है किसी को भी। तो क्या लग रहा है कि आपके मुखिया बनने के बाद हर घर नल जल का जो योजना है वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा इस योजना पर भी। और क्या कुछ विकास के लिए आपने योजनाएं तैयार की हैं? मैंने मैनिफेस्टो दिया हुआ है, सारे जनता के हाथ में मैनिफेस्टो है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि इसको 5 साल तक संभाल कर रखना है। क्या है मैनिफेस्टो में, जानना चाहेंगे जनता? सबसे पहले वही मुद्दा है, बसंत नगर और पियाउर मार्ग के लेकर के स्कूल का व्यवस्था है। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात कर रहे हैं। चाचा, बहुत कम उम्र के हैं, युवा हैं, जीते हैं, क्या कहेंगे? लग रहा है कि आप लोग जिस भरोसा से इनको जिताया है, उस भरोसे पे ये खड़ा उतरेंगे? बेशक उतरेंगे। हम लोग के जैसे मतलब इनको सहयोग दिया, उस तरीके से जो हम लोग को वादा किया, उस वादा के मुताबिक हम लोग चलेंगे। ये हमारे भतीजे हैं, जो भी हम लोग फील्ड में घूमे हैं, हम जैसे वोट मांगे हैं, उस तरीके से मतलब इनको हम काम करने का अनुमति देते हैं। उम्मीद है कि विकास कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके पिताजी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपके लड़के मुखिया बने हुए हैं, बहुत कम उम्र हैं, क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और दूसरा बात है कि ये जीत जहाँ तक है, ये जनता की जीत है। क्या लगता है कि अब ये विकास करेंगे? इंशाअल्लाह, जरूर। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, इम्तियाज अहमद चुनाव जीत चुके हैं, मुखिया बन चुके हैं आपके? हाँ, बन चुके हैं। क्या लगता है, विकास के काम अब हम विकास बिल्कुल करेंगे, विश्वास है? विश्वास। क्या कहेंगे चाचा, बताइए? हाँ, एकदम विश्वास, एकदम काम करिए, एकदम बात बात एकदम सही बात। हाँ, वहाँ एकदम मुश्किल से करे के बाद क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहें? हाँ, आगे जो भी उन्होंने काम किया है उसी के देखते हुए उससे भी अच्छा काम करके जाएंगे। कुछ और लोग क्या कहेंगे, बताइए, छोड़ दीजिए। मोहित बोला जी, हमारे मुखिया जी, नए मुखिया जी, वर्तमान मुखिया में जीते हुए हैं, ये युवा मुखिया हैं, पूरे जनता ने अपना सहमत दिया है इनको, जिस विश्वास पर सहमत दिया है, हमको उम्मीद है कि हमारे मुखिया जी उस पर खड़े उतरेंगे और विकास के काम करेंगे। विकास के लिए बताइए चाचा, क्या कह रहे हैं ये हमारे मुखिया जी जो है,
हर आदमी को विश्वास देते हुए इनके ऊपर भरोसा लोग करते हैं कि ये नए इतने उम्र में हम लोगों के साथ इतना भलाई किए, आगे चल के इनसे और भलाई हमको मिलेगा। क्या लगता है विकास होगा? नहीं, विकास होगा पंचायत? बहुत खुशी की बात है, बहुत हम लोग मेहनत किए, इनको मुखिया बनाए हम लोग, लेकिन ये अच्छा काम करेंगे और देखा है, पूरा विश्वास है। चलिए, प्यावर पंचायत की जनता है जो इम्तियाज़ अहमद जो नए मुखिया बने हैं उन पर भरोसा कर रही है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्यावर पंचायत की जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ इम्तियाज़ अहमद को अपना मुखिया चुना है उस भरोसे पर ये खड़ा उतरे। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।